ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, हमें बस अपना बचपन के समय में जाकर 1 2 3 सीखना पड़ेगा, एडिशन सीखना पड़ेगा। यह है लॉजिकल क्वेश्चन सीरीज का थर्ड वीडियो, और आज हमें क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास दो नंबर्स है, ए और बी, और हमको सिंपली उसका सम रिटर्न करना है। रुको, ये कह भी रहा है कि अगर ये दोनों नंबर सेम होंगे, मतलब ए और बी एक ही नंबर होंगे, तो हमको उनका डबल सम निकालना होगा, जो सम आएगा उसका डबल रिटर्न करना है। यू तेरे को कितने बार बोलू बीच में नहीं बोलना, रुक तेरा पावर कट कर देता हूं। हाँ कहा था मैं, हाँ डबल सम ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन। बढ़ते हैं इसका सॉल्यूशन देखते हैं, उससे पहले आप ये प्रॉब्लम खुद सॉल्व कीजिए, बहुत आसान प्रॉब्लम है। टेस्टिंग डाटा भी आपके सामने है, इससे यूज करके आप टेस्ट कर सकते हैं आपका प्रोग्राम ठीक है कि नहीं। यहाँ पे है एक फंक्शन सम अंडरस्कोर डबल, जो दो वैल्यूज लेगा ए और बी, जो होंगे दो नंबर्स जिनका रिटर्न करना है हमको सम। जैसे कि हमको सम रिटर्न करना है, हम सम इज इक्वल टू ए प्लस बी करेंगे, बस सम ही तो रिटर्न करना है, और नीचे रिटर्न सम। रुको, उससे पहले हमको देखना है कि ए और बी एक ही है कि नहीं, सेम नंबर्स है कि नहीं। तो इफ ए डबल इक्वल टू बी, मतलब ए और बी सेम नंबर्स है, देख रहे, अगर है तो रिटर्न करेंगे सम का डबल, मतलब सम स्टार टू, जैसे सम इंटू टू होता है ना वैसे ही। यहाँ पे हम रिटर्न को एक जंप स्टेटमेंट जैसे यूज कर रहे हैं, जैसे अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये प्रोग्राम इधर ही एंड होगा, ये फंक्शन इधर से कट मारकर मेन प्रोग्राम में जंप करेगा। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू होगा ही नहीं, तो ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, तो हमारा फंक्शन यहाँ पे सीधा नीचे आएगा और डायरेक्टली रिटर्न करेगा सम, जैसे एल्स काम करता है, इफ के बाद अगर इफ ट्रू नहीं होगा तो एल्स काम करता है ना वैसे ही। बस फर्क है कि एल्स में दो लाइन होगा, इसमें बस एक ही लाइन में हम कर सकते हैं। यहाँ पे खत्म होता है हमारा आज का क्वेश्चन, ये था एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, और आगे आएगा इसी क्वेश्चन का बाप क्वेश्चन। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।